जो बात कर रहे हैं महंगाई की, हाय हाय हाय, बड़ा दर्द है, बहुत दर्द है। काले चश्मे पहनकर महंगाई पे बात हो रही है। महंगाई जो है वो 3% से 16% की आपने। हम तो पेट्रोल को कितने पे छोड़ के गए थे, 87 रुपीज के ऊपर, रुपए डॉलर को छोड़ के गए थे 115 के ऊपर। क्या बातें करते हो, कोई इन्फ्लुएंस जिस चीज का है, मैंने कहा था कोई और गोली खाएं, सुकून करें, ऐसी ज़हनी हालत में टीवी पर नहीं आना चाहिए। और कहते हैं ये पहली दफा हुआ है, पहली दफा हुआ है। मैं आवाम को बताना चाहती हूँ कि वजीर आजम ने इनका तयशुदा IMF का प्रोग्राम, शरायत जो इनकी नालायकी की वजह से कमजोर फुटिंग के ऊपर इन्होंने शरायत पे दस्तखत किए, जिसकी वजह से आज ये हमें उसकी पासदारी करनी पड़ रही है। और आवाम को हमने नहीं छोड़ा बेसहारा। हमें नहीं पता कि हम पेट्रोल महंगा करेंगे तो हमारी सियासत और क्या इम्पैक्ट होगा, हमें नहीं पता। हमने उससे बियॉन्ड जाकर, उससे बालातर होकर, क्योंकि मुल्क की मईशत ठीक हो जाए, मुल्क में महंगाई कम हो जाए, आज नौजवान को रोजगार मिल जाए, और उसके इकदाम के लिए पेट्रोल हमारे लिए बढ़ाना पहले दिन बड़ा आसान था। इनकी समरी थी, इनका मुआहदा था, इन्होंने सब्सिडी जो दी वो उसका खजाने में पैसा नहीं था, हम पहले दिन पेट्रोल बढ़ा देते। लेकिन कहा नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज साहब ने कि ऐसा नहीं होगा, हम पहले रिलीफ बनाएंगे, पहले रिलीफ पैकेज देंगे, उसके बाद हम पेट्रोल बढ़ाएंगे। आज अगर पेट्रोल बढ़ाया है, पहला जो पेट्रोल इनका मुआहदे के दौरान जो बढ़ाया गया है, उसके ऊपर आज जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान अपना 2,000 रुपया उसको दे रही है। आज वो मजदूर, वो किसान, वो टीचर, वो मेहनत कश खवातीन, वो स्टूडेंट जो साथ काम करता है और साथ अपनी तालीम हासिल करता है, वो रेड़ी बांध, हर वो शख्स जिसकी आमदन 40,000 से कम है, उसको इस पेट्रोल की इंक्रीज के बाद साथ 2,000 रुपया दिया जा रहा है। खाली 786 के ऊपर कॉल करें, कॉल लाइन है 786, उस पर कॉल करें और आपको ये 2,000 आपकी इनकम लेवल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी चेक करके आपको ये 2,000 रुपया मिलेगा मंथली। ये रिलीफ दिया और उसके बाद पेट्रोल में, हमारे लिए आसान काम थे, आपने तो नहीं किए, हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ाते थे रात के अंधेरे में, हर 15 दिन के बाद आपने तो कभी कोई रिलीफ की बात नहीं की।